सब हमको देख रहे हैं कि क्या कर रहा भाई साहब, सब सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। और सजावट तो भाई एक तरफा सजावट, अभी जस्ट बारिश रुका हुआ है। मंदिर देखिए कितना खूबसूरत सा सजा हुआ है मंदिर, काफी भक्त आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। भिलाई में सबसे फेमस है, बोला जाता है कि यहाँ पे रसोई घर है जहाँ पे 35,000 लोगों का खाना बनता है। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स रुपए गुट्टी, सब सभी का स्वागत है। गाइस तो कल है कृष्ण जन्माष्टमी, लेकिन वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट और देखते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अभी मार्केट किस तरह से सजा हुआ है, वो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखला दूंगा। देन तो ये वीडियो जो रहेगा आज और कल दोनों मिक्स रहेंगे। उपवास रहता हूँ और बड़े धूमधाम से मैं कृष्ण जन्माष्टमी मनाता हूँ, और कैसे मनाता हूँ ये तो आपको वीडियो में देखने को मिल ही जाएंगे। देन अभी निकलते हैं मार्केट के लिए। गाइस तो यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारे दुकानें लगे हुए हैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। देन मैं भी कुछ ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। पतली सी सड़कें हैं तो अपन भी देखते हैं, पूजा सामग्री का आइटम है ये आप देख पा रहे हैं, एक से बढ़कर एक है सुंदर सुंदर से भगवान को सजाने के लिए। देन यहाँ भी है ये मुकुट है सजाने के लिए, 70 रुपये से बढ़कर एक है यहाँ पे। अरे कृष्ण भगवान जी का आसन है, काफी सुंदर दिख रहा है ये बड़ा वाला आसन है, ये बांसुरी है कृष्ण भगवान जी का। तो माला वगैरह भी बहुत सारे हैं, वैरायटी यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, और जमकर खरीदारी भी हो रही है यहाँ पे। देन यहाँ पे ज्वेलर के भी शॉप हैं, पूरी लंबी सी लाइन गई हुई है। अपन यहाँ भी देखते हैं, ये देखिए ये सब आसन है, माला भी है यहाँ पे। मोबाइल से बना रहा हूँ उतना अच्छे से फोटेज नहीं आ पा रहा होगा। बाकी सजावट के लिए काफ़ी कुछ है, वहाँ पे है कृष्ण भगवान जी, ये देखिए कृष्ण और राधा बहुत प्यारे लग रहे हैं। देन आगे भी बढ़ते देखते हैं अपन, ये सब दुकानें में शॉपिंग करने के लिए लोग आए हैं अपने अपने तरीके से, सब सजाने के लिए भगवान जी को वस्त्र लेने। मैं भी वस्त्र लूँगा एक आध भगवान को सजाने के लिए। 20 रुपये का है ये, इस साइड में भी है ये देखिए। इसमें एक प्लेट भी दे दूँ ना तंदूर वाला, तो इनमें से एक मैं भी लेके गया था घर में रखा हुआ हूँ। कितने का गुड़िया ये, बहुत सुंदर सुंदर है यहाँ पे, तांबे का पूरा ये। कितने का है, तीन सौ नब्बे सामने। तो ये 390 का है। जैसे जैसे बड़े में लोग हैं वैसी वैसी यहाँ पे रेट भी हैवी है, बाकी यहाँ पे छोटे छोटे भी हैं इस तरह से बहुत सारे हैं। आगे बढ़ते हैं देखते हैं, और सब हमको देख रहे हैं कि क्या कर रहा भाई साहब। चलो आगे और देखते हैं। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस तो मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूं, तो हमारे घर के जस्ट सामने में अभी काम चल रहा है, थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करना, बट आज है कृष्ण जन्माष्टमी तो मैं आज उपवास हूं और नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ। मैंने सुबह ही पूजा कर लिया था, ये देखिए यहाँ पे हमारे भगवान जी विराजमान हैं, बहुत सारे भगवान हैं यहाँ पे, इसलिए मैं कृष्ण जन्माष्टमी ही मनाता हूँ। गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी 3 साल हो चुके हैं गणेश बैठाते हुए, अब देखते हैं इस साल बैठाएंगे या नहीं। देन यहाँ पे देख हमारा पूजा रूम, मैंने ऑलरेडी पूजा कर रखा है। देन कल मार्केट गया हुआ था, हम लेके आए हुए थे कृष्ण भगवान जी को, और यहाँ पे मैंने कुछ सजाया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं सजाया है। रात के 12 बजे से पहले अपन डेकोरेट करेंगे और ये जो जगह को और अच्छे से डेकोरेट करने की कोशिश करूँगा। देन रात के 12 बजे बहुत धूमधाम से अपन मनाएंगे, कृष्ण भगवान जी जन्म लेंगे भाई, इसीलिए मैं व्रत रखता हूँ कि हमारे कृष्ण भगवान जी रात के 12 बजे जन्म लेते हैं और हर साल आते हैं, जितने भी दुख दर्द हैं वो कृष्ण भगवान जी हर लेते हैं। आई होप कि आप लोग भी बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाते होंगे, मैं तो बहुत धूमधाम से मनाता हूँ। देखते हैं इस बार मटका फोड़
होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है। अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर के लिए, देखते हैं आसपास में किस तरह का माहौल है और आप लोगों को भी दिखलाने की कोशिश करूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ राजनांद गांव में और यहाँ पे बहुत खूबसूरत ये देखिए पंडाल जैसा सजा हुआ है, आप लोगों को दूर से दिखलाता हूँ। ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत सा सजा हुआ है, तो चलिए अंदर चलते हैं। जो सजावट है काफ़ी सही है भाई साहब। चलिए कृष्ण भगवान जी का अपन दर्शन करते हैं। ये है सब सेल्फी वगैरह ले रहे हैं और सजावट तो भाई एक तरफा सजावट आप देख ही रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा सजावट है यहाँ पे। देन ये है इस तरह से पूरा सजा हुआ है मंदिर चारों तरफ से, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इस साइड में भी सब फोटो सेल्फी सब ले रहे हैं। देन आप लोगों को सबसे पहले कृष्ण भगवान जी का दर्शन कराते हैं। कृष्ण भगवान जी को झूला झूला रहे हैं तो मैं भी झूला झूलाता हूँ। देन ये देखिए अभी खाली झूला झूला रहा हूँ मैं। जय कृष्ण भगवान जी, घर बैठे दर्शन करिए आप भी। बहुत खूबसूरत है यहाँ पे प्रतिमा है कृष्ण भगवान जी का। कमाल ही हो गया भाई साहब, यहाँ पे काफ़ी ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। अभी मैं हूँ देवनाथ नदी के पास में, ये आप देख रहे हैं पेड़ पौधे, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज कृष्ण भगवान जी प्रसन्न हो गए हैं हमारी श्रद्धा से। मंदिर है, बजरंगबली जी हैं, भैरव बाबा जी हैं। देन यहाँ पे बहुत सारे स्टॉले लगे हुए हैं, ये है गुरुद्वारा। और मौसम देखिए सही है भाई, ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। वैसे मेरे पास रेनकोट है, रेनकोट पहन के मैं जा सकता हूँ घर। अभी जस्ट बारिश रुका हुआ है, काफ़ी सुंदर दिख रहा सिनार नदी। गाड़ी तो धुल गई इसकी, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। बारिश तो रुक चुका है वैसे। गाइस तो मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ। अभी टाइमिंग की बात करूँ तो अभी 6:30 हो रहे हैं, आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, टाइमिंग हो चुका है। वैसे मैं रात को 12 बजे के आसपास ही पूजा करूँगा। आते आते मैं देख रहा था कि कहाँ मटका फोड़ प्रतियोगिता हो रहा है, तो सेक्टर 6A मार्केट पे मैंने देखा है कि वहाँ पे बैनर लगे हुए थे। गाइस तो अभी मटकी फोड़ हुआ नहीं है, रात के 12 बजे के आसपास मटकी फोड़ होगा। देखते हैं कि मटकी फोड़ आप लोगों को मैं दिखला पाऊंगा नहीं। देन यहाँ पे मंदिर है सेक्टर 6 में राधा कृष्ण जी का, तो यहाँ पे अपन दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। तो मंदिर देखिए कितना खूबसूरत सा सजा हुआ है मंदिर, काफी भक्त आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। रात के 12 बजे तक ऐसी रहेगा, तो चलिए अब अंदर चलते हैं दर्शन करते हैं। गाइस तो अब हम अंदर चलते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं कृष्ण भगवान जी का। और इतनी खूबसूरत सी मंदिर सजी हुई है भाई साहब, पूरा लाइटिंग है चारों तरफ। भक्तगण काफ़ी आए हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो वापस भी चले गए हैं। अभी रात के 10:30 हो रहे हैं। ये है राधा कृष्ण मंदिर। देन अंदर चलते हैं, यहाँ पे जूते चप्पल उतारते हैं, देन दर्शन करते हैं। अरे वाह क्या खूबसूरत सा सजा हुआ है भाई साहब, प्यारा सा सजा हुआ है। घर बैठे आप दर्शन करिए कुर्सी गुड़िया। देन यहाँ पे गाने वगैरह चल रहे हैं और यहाँ पे है बजरंगबली जी, कभी आप दर्शन करिए। और बहुत भीड़ है भाई मंदिरों में, आप देख ही रहे हैं, मेन मंदिर सामने में ही है। झूला झुला रहे हैं भाई, मैं भी झुलाता हूँ झूला। ये देखिए इस तरह से सब झूला झुला रहे हैं कृष्ण भगवान जी को।
गाइस तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं अक्षय पात्र, जस्ट सामने ही वही हैं, तो आप लोगों को भी दिखलाते हैं। यही है अक्षय पात्र, देन अपन यहाँ से आए हैं 10 कदम की दूरी पर ही है, यहाँ का भी अपन दर्शन करते हैं। क्राउड तो आप देख ही रहे हैं भाई साहब, यहाँ भी भाई साहब क्राउड है, देखो कितने सारे भक्त ये दर्शन करके वापस जा रहे हैं। प्रसाद भी मिल रहा है यहाँ पे, ने टीका भी लगा लिया है, और ये है स्टेज भाई साहब, सब बैठे हुए यहाँ पे। हाँ भाई बना रहे हैं ब्लॉग, सब्सक्राइबर तो मिलते ही जा रहे हैं भाई, काफी कुछ सब्सक्राइबर मिल गए अपने को। कार्यक्रम हो रहे करके यहाँ पे अच्छा खासा स्टेज बना हुआ है, और पब्लिक भी काफी ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये लगाया हुआ है, अच्छा लग रहा है भाई, बाकी क्राउड देखे यहाँ का। गाइस तो इसके ऊपर मैं अलग से एक ब्लॉग बना दूंगा, इसकी हिस्ट्री भी बता दूंगा। और ये भिलाई में सबसे फेमस है, बोला जाता है कि यहाँ पे रसोई घर है जहाँ पे 35,000 लोगों का खाना बनता है, भाई देखने लायक है तो उतने प्रॉपर से मैं दिखला नहीं पाऊंगा, लेकिन बात अभी की करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा ये सजा हुआ है भाई साहब चारों तरफ, और भक्तगण की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। देखो डीके भाई हमारे साथ में हैं, काफ़ी देर से हम लोग बातचीत कर रहे थे, द्विवेदी भाई भी है, और इनको कौन नहीं जानता है, थोड़ा बहुत इन्हीं से मैं सीख के यूट्यूब में आया हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान भाई साहब ने हमको दिया है, और शुरू में मोटिव भी किए हैं, आगे बढ़ने का मौका भी दिए हैं। डीके भाई कुछ बोलना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर भाई से? भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, भैया ने मिला तो बहुत सारे बातें किए, आगे का प्लानिंग के बारे में बहुत सारा चर्चा हुआ, और आने वाले टाइम पे बहुत सारा नया नया कंटेंट जो है भाई के यूट्यूब चैनल पे आने वाला है, और 2.5 लाख सब्सक्राइबर की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, और भी आगे बढ़ते रहो भाई, यही शुभकामनाएं के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, और भाई को खूब सपोर्ट करिए, थैंक यू। गाइस तो डीके भाई से मिलके काफ़ी अच्छा लगा, देन अब अंदर चलते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं, और वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली भाई, सुबह से अपन घूम रहे हैं, तो यहाँ भी कृष्ण भगवान जी को झूला झुला रहे हैं, वो भी अपन बाद में देखेंगे, देन अभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं। ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस जगह पर आया हूँ, हालाँकि यहाँ से कितने बार गुजरा हूँ बट कभी मौका ही नहीं मिला, आज सौभाग्य मिल पाया है यहाँ पर आने का। और वाह काफ़ी खूबसूरत सा जगह है भाई साहब, बहुत प्यारा, कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए बना हुआ है जहाँ पे आप कभी भी आकर देख सकते हैं, तो सेल्फी पॉइंट है, बहुत प्यारा सा ये लग रहा है, लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी को झूला झुलाया जा रहा है, तो अपन भी झूला झुलाते हैं, ये देखिए सब झूला झुला रहे हैं श्री कृष्ण जी को। अपन भी झूला झुलाएंगे, भगवान जी को झूला झुला लिए हैं, और अभी टाइमिंग क्या हो रहा है भाई साहब? टाइमिंग हो रहा है 11:10, 11:10 हो चुके हैं, अब चलते हैं, मटका फोड़ हो रहा है या नहीं हो रहा है वो वहीं चलकर देखने हैं। गाइस तो यहाँ 5:30 बजे का टाइमिंग था भाई साहब, अब देख रहे हैं रात के 11:30 हो रहे हैं, अभी तक कार्यक्रम जो है स्टार्ट हुआ नहीं है।